हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। क्या आपका बच्चा कमज़ोर है? उसका वज़न नहीं बढ़ता, उसको भूख नहीं लगती, वो चिड़चिड़ा रहता है, या वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसकी याददाश्त कमज़ोर है? अगर बच्चों में ये सभी प्रॉब्लम्स हैं तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्वर्ण प्राशन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आइए जानते हैं स्वर्ण प्राशन कहते किसे हैं। स्वर्ण का मतलब है गोल्ड और प्राशन का मतलब है चटाना। आचार्य काश्यप के अनुसार स्वर्ण प्राशन हमारे 16 संस्कारों में से एक है। इसे जातक्रम संस्कार भी कहते हैं। स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण को घी और शहद के साथ मिलाकर बच्चे को पूर्व दिशा में मुंह करके चटाया जाता है। वैसे तो स्वर्ण प्राशन करने के कई तरीके हैं, पर आयुर्वेद में दो मेन तरीके रिकमेंडेड हैं, जिसमें पहला है जातक्रम संस्कार, जिसका मतलब है न्यू बॉर्न केयर। इसमें बच्चे की पैदा होने के बाद जब उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, उसके बाद बच्चे को स्वर्ण को घी और शहद में मिलाकर चटाया जाता है। इसे जातक्रम संस्कार कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डिलीवरी के बाद एकदम से मदर का फीड अवेलेबल नहीं होता, तो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और न्यूट्रिशन लेने के लिए जातक्रम संस्कार किया जाता है। दूसरा मेथड है सप्लीमेंट्री फीड की फॉर्म में, जिसे कि लेहन कहते हैं। इसमें बच्चे के पैदा होने के बाद जो भी पहला पुष्य नक्षत्र पड़ता है, उस दिन बच्चे को स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाता है। उसके बाद इसको भी दो मेथड से किया जाता है। पहले मेथड में पहली बार स्वर्ण प्राशन करने के बाद उसे लगातार 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक किया जाता है। और दूसरे मेथड के अनुसार अगर रोज़ आप नहीं स्वर्ण प्राशन कर सकते तो उसको हर महीने पुष्य नक्षत्र आने पे किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों? पुष्य का मतलब है पोषण यानी न्यूट्रिशन। पुष्य नक्षत्र को एक मंगलकारी नक्षत्र माना गया है। इस दिन कोई भी मेडिसिन लेने से वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होती है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए पुष्य नक्षत्र के दिन रिकमेंडेड है। वैसे आप किसी भी दिन दे सकते हैं, बट पुष्य नक्षत्र वाले दिन देने से उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। किस एज के बच्चों को आप स्वर्ण प्राशन कर सकते हैं? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बर्थ से लेकर 16 साल की आयु तक के किसी भी बच्चे में आप स्वर्ण प्राशन किया जा सकता है। इसको पुष्य नक्षत्र के बाद डेली बेसिस पे भी 3 और 6 महीने के लिए कर सकते हैं, और इसे हर महीने पुष्य नक्षत्र पे भी किया जा सकता है। इसे सभी तरह के बच्चों में किया जा सकता है, लेकिन जिन बच्चों को बुखार है, लूज़ मोशन है, वॉमिटिंग है या और किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, उनमें स्वर्ण प्राशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। अब जानते हैं कि स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वर्ण सबसे कॉस्टली मेटल है और आयुर्वेद में तो प्राचीन समय से मेटल्स को मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है। आयुर्वेद में गोल्ड को प्यूरिफाइड और प्रोसेस्ड फॉर्म में ही इंटरनल यूज़ के लिए रिकमेंड किया गया है। यहाँ तक कि एक स्टडी के अनुसार स्वर्ण भस्म को नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड भी कहा गया है। ये इसी कारण ये बहुत डीप टिश्यू में भी एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। आयुर्वेद में तो गोल्ड का इंटरनल यूज़ बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। पेरेंट्स को वो इंटरनल यूज़ के लिए स्वर्ण से रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है ताकि हेल्दी बेबी पैदा हो सके, एज अ रिजुविनेटर की फॉर्म में। इवन कंसेप्शन के बाद भी मदर को गोल्ड दिया जाता है पुंस्वन संस्कार की फॉर्म में, ताकि फीटस की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और बच्चे के पैदा होने के बाद तो जातक्रम संस्कार की फॉर्म में और लेहन की फॉर्म में उसको गोल्ड दिया ही जाता है। आयुर्वेद में जो स्वर्ण प्राशन के मेन बेनिफिट्स बताए गए हैं वो मेधा, बल, आयु, वर्ण और अग्निवर्धनम के रूप में बताए गए हैं। मेधा का मतलब है इंटेलेक्ट, यानी स्वर्ण प्राशन करने से बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज होती है। यहाँ तक कि देखा गया है कुछ ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बल का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, इसका मतलब है स्वर्ण प्राशन करने से बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, उसकी इम्यूनिटी एनहांस होती है, यहाँ तक कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन के लिए भी उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते।
तीसरा जो है आयु वर्धनम, आयु का मतलब है लाइफ स्पैन इंक्रीज होना। जब बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, तो उसकी आयु नेचुरली अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसके अलावा अग्नि वर्धनम कहा है, जिसका मतलब है बच्चे की डाइजेस्टिव पावर का इंक्रीज होना। आपने देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें उन्हें भूख नहीं लगती और चिड़चिड़े हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो स्वर्ण भस्म लेने से बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है, उसकी अग्नि बढ़ती है यानी डाइजेस्टिव पावर इंप्रूव होती है, और बच्चे का वेट इंक्रीज होता है, बच्चा हाइट लेता है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है। स्वर्ण का को लेने से वात और कफ बैलेंस होती है, और जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे कि बच्चे को खांसी जुकाम बहुत होता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है, साइनोसाइटिस होता है, रनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये कफ के बढ़ने की वजह से होती है, और स्वर्ण प्राशन करने की वजह से उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा वर्ण वर्धनम का मतलब है कि बच्चे का कलर और कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है, क्योंकि गोल्ड जो है टॉक्सिन रिलीज करता है और हमारे ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है, इस वजह से बच्चों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। बच्चे की आई साइट भी इम्प्रूव होती है, उसको बहुत जल्दी एज में चश्मा भी नहीं लगता, ऐसा आयुर्वेद में रिकमेंडेड है। स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट्स उसके ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करते हैं कि आप उसे एक महीने के लिए दे रहे हैं, तीन महीने के लिए दे रहे हैं या छः महीने के लिए दे रहे हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अगर बच्चे को एक महीने तक लगातार स्वर्ण प्राशन किया जाए तो बच्चा परम मेधावी बनता है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बनता है और डिजीज़ फ्री भी होता है। अगर उसको छः महीने तक स्वर्ण प्राशन किया जाए तो श्रुतधर होता है, मतलब कि वो सुनते ही चीज़ों को याद कर लेता है और उसकी परसेप्शन इंक्रीज़ हो जाती है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आप पोलियो, टाइफाइड, टीबी से बचाने के लिए बच्चे को बचपन से ही वैक्सीनेट कराते हैं, उसी तरह से बच्चे की इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए उसे आयुर्वेदिक वैक्सीन या आयुर्वेदिक इम्यूनोबूस्टर, जैसे कि स्वर्ण प्राशन कहते हैं, वो ज़रूर कराएं। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन नहीं कराया है तो किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर आप पुष्य नक्षत्र के दिन उसका स्वर्ण प्राशन कराइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।